तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर देख लीजिए, 10 नंबर क्वेश्चन जो है ये 6.1 का है। तो इसमें बोल रहा है क्या कि एक्स प्लस टू वाई बराबर सिक्स का आलेख खींचना है। तो आलेख खींचना है तो एक्स वाई का मान पता होना चाहिए, निर्देशांक ज्यामिति आप लोग पढ़े तो पता है अब कैसे आलेख खींचना है। तो इसमें तो अनंत हल होता है, दो चार वाले रैखिक समीकरण है तो इसका अनंत हल होगा, लेकिन अरेख जो है अनंत हल होगा ना, जो भी हल होगा वो एक सरल रेखा में इसका अरेख बनेगा, इसका इस तरीके से एक सरल रेखा में जो भी बिंदु आएंगे सभी इसी के सामने आएगा, चाहे जितना मान निकाले उसका। तो वैसे कम से कम रेखा खींचने के लिए अगर इसका हल जो आएगा जो भी जैसे भी रेखा खींचे वो सरल में आना चाहिए, सरल रेखा में इस प्रकार से, मतलब इसका तिरछा उर्छा इस टाइप से नहीं होगा, सिर्फ सरल रेखा में होगा। तो सरल रेखा में ग्राफ को पता करने के लिए सरल रेखा हो तो दो यहाँ पे मान नहीं लेंगे, क्योंकि दो बिंदु अगर मिलेगा एक्स वाई दो बिंदु अगर एक्स अक्ष पे मिल रहा है यहाँ या तो ये हमेशा सरल रेखा में रहेगा, दो बिंदु को मिलाएंगे तो। तीसरा रहेगा अगर इधर है तभी तो पता चलेगा ये तिरछा हुआ, अगर सही रहेगा तो ऐसे की सोचा में तीसरा बिंदु भी रहेगा। तभी देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आगे भी ऐसे समझ में आ जाएगा क्या करना है। सबसे पहले तो इसका मान निकालना है एक्स और वाई का, कम से कम तीन मान निकाल लेना है ताकि पता चल जाए अच्छे से ग्राफ। ठीक, तो एक्स को इधर रहने देते हैं और टू बाई को उधर भेजते हैं, सिक्स माइनस टू बाई, अनंत हल निकाल सकते हैं। बाई बराबर कितना लेना, जीरो लेंगे तो छः बचेगा और एक लेंगे तो चार बचेगा, तो बाई बराबर एक से शुरू करते हैं ना, एक पर। तो एक्स बराबर सिक्स माइनस टू, बाई एक रखे, दो गुना वन दो और छः में से दो जाएगा तो चार बचेगा, यानी बाई एक तो एक्स चार आया। फिर बाई बराबर दो पर वैसे तो सभी आएगा वैसे ही सही संख्या आएगा, दो दूनी चार, दो घटेगा तो मतलब चार घटेगा दो बचेगा, तो सिक्स माइनस टू इंटू टू, बाई की जगह पे टू रखा, दो दूनी चार, छः में से चार जाएगा तो कितना बचेगा दो, तो एक्स का दो आया। फिर बाई बराबर तीन रख लेते हैं तो एक्स बराबर सिक्स माइनस टू इंटू थ्री, तीन दूनी छः, छः में से छः जाएगा तो जीरो आया, यानी इस बार छः जीरो आ गया। तो यहाँ पर देखिए तीन हल बोल रहा था, तीन मतलब तीन हल हमने निकाला, चूँकि आलेख खींचना था तो कम से कम तीन में, दो बिंदु से भी कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो बिंदु में अगर गलत होगा तो पता नहीं चलेगा, ठीक है, इसलिए हम लोग तीन बिंदु लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब हमने बाई बराबर एक रखा तो एक्स का चार आया, ठीक है, बाई बराबर दो रखा, दो रखा तब बाई तीन आया, और बाई तीन ही आया ना, दो रखा तो दो ही आया, ठीक है, दो ही आया है, दो रखने पर दो ही आया, तीन रखने पर जीरो आता है, बाई तीन रखने पर जीरो, तीन है आया ना। अब क्या करना है, आपको अच्छे से ग्राफ खींचना है, वो तो आपको पता है कैसे ग्राफ को खींचना है, पेंसिल वेंसिल की सहायता से अच्छे से मीन तीन चार है तो चार है तो पहले तो आपको ऐसे हम लोग इतना लंबा खींचा, ठीक, बीच से ये कितना है, इतना है 6 सेंटीमीटर, इसका बीच यहाँ पे आएगा लगभग, तो बीच से यहाँ पे हम लोग, अब यहाँ पर देखिए जो भी दूरी लेना है वो सेम लेना है, मतलब समान रहना चाहिए, जैसे कि अगर यहाँ से देखे एक एक सेंटीमीटर पर चार पॉइंट लेना है, एक एक सेंटीमीटर पर, एक यहाँ लेंगे, एक यहाँ, एक एक यहाँ, एक यहाँ, तीन और एक लास्ट में यहाँ पे चार, ठीक है, पांच हो गया बट चार लेना, प्लस में देखिए माइनस में नहीं है ना, तो बस इतना भी पार सकते आप लोग, इतना भी पार सकते कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही, इसको मिटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चार पॉइंट ऊपर ले लेते हैं, एक एक सेंटीमीटर पर, एक ये आया, एक सेंटीमीटर पर आना चाहिए ना, एक सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर, दो सेंटीमीटर, तीन सेंटीमीटर और थोड़ा सा, यहाँ पे तो देखिए ये हमारा जीरो जीरो होता है, यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन, यहाँ पर चार, यहाँ पर हमने एक लिया,
एक सेंटीमीटर चार से यहाँ, तो एक हमने यहाँ लिया, फिर दो यहाँ, तीन यहाँ, चार यहाँ, ठीक है। ये सभी बराबर बराबर दूरी पे आना चाहिए। ये एक्स अक्ष है और ये बाई है। नीचे अगर माइनस में होता है तो बाई डैश होता है और ये एक्स डैश होता है। वैसे इसको लिखना ज़रूरी नहीं है बट क्योंकि माइनस में है ही नहीं। अब देखिए एक्स चार, एक्स चार यहाँ, बाई एक, तो एक्स चार बाई एक यहाँ, तो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। अभी देखिए इसको ऐसे इस प्रकार से भी ला सकते हैं, चार है ना, तो चार है तो यहाँ पे एक बिंदु मिला, ठीक। ये है एक चार और एक, पहले एक्स लिखाता है, फिर दो और दो, तो दो यहाँ है और दो इसके सामने आएंगे तो दो यहाँ पे मिलेगा बिंदु। अब दे यहाँ पे एक बिंदु मिला, ये दो दो। उसके बाद तीन और जीरो, एक तीन और जीरो, मतलब देखिए इसमें जीरो है एक्स, यानी एक्स कुछ भी कहीं पे नहीं, जीरो यहीं पे आता है एक्स का, और फिर बाई तीन है तो यानी तीन ऊपर जाएंगे। देखिए एक्स जीरो पे तो जीरो पे, बाई तीन तो तीन ऊपर, तो ये एक्स बाई अक्ष पे आएगा। एक्स जीरो तो बाई अक्ष पे आता है, बाई जीरो तो एक्स अक्ष पे आता है, पता है। अब देखिए ये तीनों एक सीध में है, ठीक है, तिरछे तिरछे नहीं है, बस तीनों को मिला देंगे और ये हमारा आलेख है, ठीक है। तीनों को हमने मिला दिया और ये किस समीकरण का है, x प्लस टू बाई बराबर सिक्स, ये इसका आलेख है। तो इसी प्रकार से आलेख अपने को बनाना है, ठीक है। तो ये हमारा 10 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी आलेख बोल रहा है खींचने के लिए। पहला नंबर में तो हमने अच्छे से आलेख खींचा था, तो वैसा ही सेम इसको भी बनाना है। तो पहले तो x और y का अनंत हल होता है, आपको पता है, तो यहाँ पर x y का तीन हल कम से कम निकाल लेंगे आलेख बनाने के लिए। तो x बराबर इसको लिख सकते हैं बाई इधर आ जाएगा सेवन माइनस बाई, ठीक है। अब बाई बराबर यहाँ पे रखते हैं एक बार, एक दो तीन, ऐसा जो भी सुविधा, दो रखेंगे तो पाँच बचेगा, ठीक है, दो ही तीन रखेंगे तो चार बचेगा, तो तीन रखते हैं ना, तीन से स्टार्ट करते हैं। तो तीन पर तो x बराबर सेवन माइनस बाई की जगह पे थ्री रखना, तो कितना आएगा, चार आएगा, ठीक है, चार आएगा, चार आया इसका, बाई तीन तो एक्स चार आया। बाई बराबर चार रखते हैं चार पर, तो बाई बराबर, तो एक्स बराबर कितना, एक्स बराबर सेवन माइनस बाई, बाई की जगह पर कितना है चार, तो कितना आएगा तीन, यानी बाई चार तो एक्स तीन। इस बार बाई पाँच मानते हैं, तीन हल तो कम से कम चाहिए, बाई पाँच मानते हैं या फिर पाँच ही मानते हैं क्योंकि बड़ा संख्या तो आएगा ही। पाँच पर देखें तो x बराबर कितना है सेवन माइनस बाई, मतलब बाई की जगह पे पाँच और इधर दो आएगा, तो तीन हल अपने को मिला। कौन कौन सा हल मिला, तो यहाँ पे देखिए तीन हल हमने निकाला ही, वैसे तो अनंत होता है, जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। तो ये x बाई है, जब हमने बाई तीन रखा तो x का कितना आया चार आया, जब हमने बाई जो यहाँ पे चार रखा तो x का कितना आया तीन आया, जब हमने बाई पाँच रखा ना तो यहाँ पे x बराबर दो आया। ये तीन हल ग्राफ ने बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, तो आपको जो अच्छे से नाप के बनाना, अभी तो हम यहाँ पे ऐसे ही बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ तो चलिए ये हमारा x बाई होता है। मैक्सिमम संख्या आपको दिख रहा है पाँच और चार भी है, तो पाँच तक प्लस में सब ये ना, तो मतलब इतना ही बनाना, ऐसे ही बनाते, ऐसे करके ऐसे और ऐसे बनाते तो भी काम चलता, ठीक है, चूँकि प्लस में ही सभी है तो ऐसा ही बनाते तो भी चलता है। तो पाँच है मैक्सिमम, तो ये जीरो होता है, यहाँ पे एक माना, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन और यहाँ पे चार और यहाँ पे पाँच, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, ये तो अंदाजे ही बना रहे, तीन यहाँ पे चार और यहाँ पे पाँच, ऊपर एक्स और सॉरी ये बाई होता है और ये बाई डैश होता है, ये एक्स और ये एक्स डैश, यानी माइनस इधर होता है। इसकी ज़रूरत नहीं है ना, तो इसको मिटा देंगे, वैसे इसको बनाना ही नहीं है, सिर्फ इतना ही बनाना है। तो वैसे ही सर है, बना लिए तो इधर माइनस वन माइनस टू इधर कर ले, इधर भी कर ले, ठीक है, और नहीं तो इतना ही रहने देंगे, इतना मिटा देंगे, ठीक है। तो पहले तो एक्स चार है, बाई तीन है, तो एक्स चार और यहाँ पे आता है और बाई तीन, मतलब यहाँ पे इसके सोझा में यहाँ पे देखे बिंदु यहाँ पे मिलेगा, तो एक बिंदु यहाँ पे मिला, ठीक, एक बिंदु यहाँ पे मिला। उसके बाद बाई चार और एक्स तीन है,
एक्स तीन है और बाई चार है, तो इसके सामने और इसके सामने यहाँ पे एक बिंदु मिला, ठीक है, इसके सामने और इसके सामने। फिर पाँच बाई है और एक्स दो है, एक्स दो और बाई पाँच यानी पाँच यूनिट ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आया। अब ये तीनों एक ही सीध में है, ठीक है ना, तो बस इसको आपको अच्छे से मिला देना है जो आपका प्रकार होता है उससे। बस ये हमारा हो गया ग्राफ, इसी प्रकार से ग्राफ बनाना है और इसमें जो समीकरण है उसको लिख देंगे, क्योंकि ये तो अच्छे से हमने बनाया ही है, बट जो है ये एक सीध में ही मिल जाएगा, वैसे यहाँ पे एक सीध में ही मिलता है, ये यहीं पे होगा तो ये एक सीध में मिल जाएगा, ठीक है, पेंसिल से अच्छे से बनाना है। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था और इसका समीकरण क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर सात। अब हम लोग तीसरा भी देख लेते हैं यहाँ, तो अगर यहाँ पर हम देखें तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो एक्स माइनस जैसे अभी बनाया सिर्फ माइनस यहाँ पे मान वैसे इधर ही, तो उसको भेज के मान निकाल के सिंपल सा ग्राफ बनाना, तो वो आप लोग बना ले, कोई भी बना लेगा, तो वैसे तो ये भी बन जाएगा टू एक्स प्लस वाई बराबर थ्री, इसका लेख बोल रहा है बनाने के लिए। तो चलिए क्या करेंगे, इस वाई को इधर भेजते हैं, थ्री माइनस वाई और ये एक्स बराबर थ्री माइनस वाई, इधर टू इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में, अब मान निकालेंगे, वाई की जगह पर रखेंगे पहले, वाई बराबर जीरो नहीं रखते, एक से स्टार्ट करते, वाई बराबर वन पर देखें तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, थ्री माइनस वाई की जगह पे वन और बटा टू, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर बराबर दो, एक तीन में से एक जाएगा दो, दो में से दो काटेंगे तो एक बच जाएगा, यानी एक्स बराबर एक आया वाई बराबर एक पर। अब देखेंगे वाई बराबर दो, तो दो रखेंगे तो क्या आएगा, दो रखने पर दो पर तो x बराबर तीन माइनस वाई मतलब दो और बट्टा में भी दो है, तो तीन में से दो जाएगा तो एक बचेगा, एक बटा दो, एक बटा दो को अगर भाग देंगे तो कितना आएगा, आधा, आधा है मतलब एक से आधा है, तो ये 0.5 आएगा। वैसे इसको आधा समझ लेंगे, एक और आधा के बीच में इसको डिनोट कर सकते हैं, तो वैसा सिचुएशन भी कभी कभी आ सकता है। उसके बाद एक और निकालना है, तो वाई बराबर इस बार कितना रखा हमने, एक रखा, फिर दो रखा, फिर तीन रख के देखते हैं तो जीरो आ जाएगा। वाई बराबर तीन पर देखें तो यहाँ पर एक्स माइनस बराबर थ्री माइनस वाई और बट्टा में टू है, तो थ्री माइनस वाई की जगह पे थ्री और बट्टा में टू, तो यहाँ पर देखें तीन में से तीन जाएगा तो क्या होगा, जीरो और बट्टा में दो है, तो जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो ये भी जीरो आ जाएगा, मतलब वाई बराबर तीन पे एक्स ये आता है। यानी तीन अगर हम लोग समीकरण देखें, तीन अगर हल देखें इसका, तो कौन कौन सा है, एक्स वाई, तो यहाँ पर अगर देखें वाई एक है तो एक्स भी एक है, दोनों एक एक है, यहाँ पर वाई दो है तो एक्स 0.5 है, यानी वाई जब दो रखा तो ये एक बटा दो आया अर्थात 0.5 यानी आधा, ठीक है, एक बटा दो या आधा, एक बटा दो लिखना है। उसके बाद जब हमने यहाँ पर x y बराबर तीन रखा, y बराबर तीन रखा तो x बराबर जीरो आया, इसको ग्राफ बनाना है, तो इसको ग्राफ बनाना है तो चलिए वैसे ही बनाते रफ में, तो हमने मतलब अच्छे से नाप के बनाना है, ठीक है, प्लस में सभी था तो आधा ही बनाते तो भी चलता, एक है, दो है, तीन है, चार है और पाँच है, छः है, इधर भी एक दो तीन चार, वैसे तो इतना ज़्यादा संख्या नहीं है, पाँच, तो इतना रहने देते हैं। अब देखिए x एक था तो y भी एक ही था, ठीक है, तो एक एक का ग्राफ यहीं पे बनेगा, मतलब यहीं पे आएगा इसका पॉइंट। फिर उसके बाद दो था, y दो था तो 0.5 था x, मतलब आधा, आधा का मतलब देखिए एक एक का आधा 0.5, एक बटा दो मतलब आधा होता है, तो आधा कहाँ पे होगा, देखिए यहाँ पे एक है तो एक यहाँ पे है तो आधा इधर कहीं पे बीच में होगा, और बाई ये एक्स है आधा, ठीक है ना, आधा मतलब इसका एक का आधा, एक बटा दो आएगा, ठीक, उसके बाद फिर एक बटा दो, फिर दो बटा दो आएगा तो एक हो जाएगा, तो एक बटा दो यहीं पर आएगा, ठीक है ना, आधा मतलब यही एक का आधा कर देना है बीच में, और बाई दो तो यहाँ से दो चलेंगे तो यहाँ पे मिलेगा पॉइंट, ठीक। उसके बाद है तीन और जीरो, बाई तीन है और एक्स जीरो था, अभी आपने देखा ना,
बाई तीन है और एक्स जीरो है, तो बाई तीन है, ये तो एक्स है और ये बाई है, बस इतना आपको बनाना ही नहीं है, ठीक है, नहीं बनाते इसको, मतलब हटा देते हैं। एक्स एक्स जीरो है, मतलब एक्स जीरो यहीं पे रह जाएगा, बाई सिर्फ तीन है, मतलब तीन यहाँ पे आएगा। अभी तीनों को अगर मिलाएंगे तो ये एक सीध में मिल जाएगा, ठीक है, जब इसको मिलाएंगे तो इसको ऐसा मिला देना है और समीकरण लिख देना है कि 2x प्लस बाई बराबर थ्री, तो ये इसका ग्राफ होगा। सेम ऐसे को देखिए, और इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसमें भी आलेख ही बनाना है, 11 का पहला या जो भी है 11 नंबर क्वेश्चन में आलेख बनाना है, बट वो आलेख जो हम लोग जिस प्रकार से ग्राफ बनाते हैं और वो जो अक्ष को किस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, एक्स अक्ष होता है बाई अक्ष होता है, तो ये अक्ष को किस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है उसका निर्देशांक लिखना है, उसका प्रतिच्छेद बिंदु लिखना है, तो वो लिखना है इसमें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स बाई का मान निकाल लेते हैं, ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो पहले तो हल निकाल लेते हैं, तो हल अभी देखिए इधर आलेख दो से भी काम चलता है, बट तीन बनाना है अपने को। यहाँ पे थ्री एक्स प्लस टू बाई बराबर सिक्स है, थ्री एक्स बराबर सिक्स माइनस टू बाई हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, टू बाई एक्स बराबर क्या होगा इधर गुणा में है, तो इसको हम लोग इधर लाएंगे तो भागा में हो जाएगा, बटा में थ्री। अब देखिए बाई बराबर कितना रखे, एक रखते हैं तो दिक्कत, दो रखते हैं तो तीन रखेंगे तो तीन दूनी छः, छः में से छः जीरो आएगा, तीन रखेंगे तो तीन रखते हैं और तीन ही रखते हैं, पहले जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, पहले जीरो रख लेते हैं, जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा और छः बचेगा सिर्फ, ठीक है, तीन दूनी छः भी कट जाएगा। जीरो पर देखें तो क्या है, जीरो पर अगर देखें तो एक्स बराबर सिक्स माइनस टू बाई की जगह पे जीरो रखेंगे और बट्टा में कितना है थ्री, तो ये दो गुना जीरो तो जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा और जीरो का कोई वैल्यू नहीं, माइनस में अगर जीरो घटाएंगे भी छः में से तो छः ही बचेगा, छः बट्टा तीन, और जब इसको काटेंगे तीन दूनी छः तो दो आएगा, तो एक्स बराबर दो आया, ठीक है, एक हल ये हुआ। अभी ऊपर हम लोग एक और निकालते ताकि नीचे ग्राफ बन जाए, इतना में बन जाना चाहिए। उसके बाद बाई बराबर जीरो ले लिया, एक लेंगे तो दो लेंगे तो नहीं होगा, तीन ले लेते हैं, तीन पर तो एक्स बराबर सिक्स माइनस टू बाई, बाई की जगह पे तीन माना और बटा में कितना है तीन, तो तीन दूनी छः और छः में से अगर छः को घटाएं, ठीक है, छः में से छः को घटाएंगे तो कितना बचेगा जीरो, और जीरो और जीरो में तीन से भागा देंगे तो वो भी जीरो आएगा, यानी एक्स बराबर तीन पे बाई जीरो आ गया। एक मान और निकाल लेते हैं, तो कितना रखे, एक भी जीरो भी रख लिया, तीन भी रख लिया, एक रखने पर एक रखेंगे तो दो इकाई दो चार बटा तीन बच जाएगा, ऐसा दो रखेंगे तो तीन बटा दो बचेगा, दो बटा तीन बचेगा, तो अगर हम लोग यहाँ पे चार रखे तो चार दुनी आठ, ये भी दिक्कत है, पाँच रखे तो भी दिक्कत है, छः रखे तो छः दुनी बारह माइनस छः माइनस में आ जाएगा, तो अपने हिसाब से रख से देखे, प्लस में अगर एक रखे तो दो बटा के रूप में ही आ जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे बाई बराबर छः अगर ले ले तो बारह माइनस में छः कट भी जाएगा, माइनस में दो आएगा बट कट जाएगा, अगर छः ले ले तो बाई बराबर, तो चलिए बाई बराबर अगर छः ले लो, तीन तो ले लिया, चार से काम नहीं चलेगा, छः ही लेता है, तो छः लेते हैं तो क्या होता है, देखिए एक्स बराबर सिक्स माइनस टू बाई की जगह पे छः और बटा में थ्री, छः दुनी बारह, तो छः में से अगर बारह को घटाएंगे तो माइनस में छः बचेगा और बटा में थ्री, को पता है बारह जो है ज़्यादा है और माइनस में है तो छः नहीं घटेगा, मतलब बारह में से छः ही घटेगा, लेकिन माइनस में बारह है तो ये भी माइनस में अंतर आएगा, तो वो तो पता ही सभी को, छः दुनी बारह, बारह में से छः को घटाइए, छः में से बारह को घटाएंगे तो माइनस छः ही बचेगा, तीन दुनी छः काटेंगे इसको तो ये माइनस दो आया, तीन हल आ गया है यहाँ पर देख सकते, तीन हल हमने निकाला, और मतलब ऐसा ही निकालना, बटे उटे में ना आए, माइनस में आ जाए चलेगा और आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बाई बराबर जीरो पर एक्स का मान दो आया, बाई बराबर जीरो पर एक्स का मान दो आया, और बाई बराबर तीन पर एक्स का मान जीरो आता है, देखिए जीरो पर तो दो आया, जीरो और तीन पर जीरो आया,
जब वाई बराबर 6 हमने लिया तो अब एक्स का मान -2 आया, ठीक है। अब ग्राफ देखिए बनाते हैं, प्रकार की सहायता से अच्छे से हम लोग ग्राफ को बना लेते हैं, ठीक है। चलिए तो ग्राफ को बनाने के लिए तो ग्राफ पेपर का भी यूज कर सकते हैं, 0 से मतलब इतना लंबा नहीं बनाना है, यहाँ पे बीच में पॉइंट मिला एक, ठीक है। अब एक मतलब 6 तक कम से कम यहाँ पे दूरी को लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे, 2 3 4 5 6, ठीक है। ऊपर साइड मतलब बहुत नज़दीक नज़दीक में लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और फिर 6, हालांकि एक एक सेंटीमीटर पर लेता तो 1 2 3 4 5 6, इधर तो 6 मिल जाता, बट इधर देखें तो 1 2 3 4 ही मिलता, ठीक है। और माइनस में भी बनाना है, ये तो हमारे पास 1 होगा यहाँ पर, ऐसे पेंसिल से लिख देते हैं, बीच में 0 होगा, 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा और ये 6 होगा। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पर 6 होगा। माइनस वाला में देखते हैं, क्योंकि माइनस वाला को भी दर्शाना है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 तक ले लिया, ठीक है। फिर नीचे भी माइनस में ले लेते हैं, 6 तक मतलब 1 यहाँ पर, फिर 1 यहाँ, फिर 1, फिर 1 यहाँ, फिर 1 यहाँ और 1 यहाँ, ठीक है। ये सब माइनस में होता है, ये माइनस में 1 होगा, माइनस में 2 होगा, माइनस में 3 होगा, ये माइनस में 4 होगा और ये माइनस में 5 होगा, ये माइनस में 6 होगा। यहाँ पे भी ये माइनस में इधर इधर वाला -1 -2 -3 -4 -5 और -6 होगा। अब देखिए, ये होता है बाई और ये बाई डैश होता है, ये इधर एक्स होता है और इधर एक्स डैश होता है। अब देखिए जो बनाना है, बाई 0 है, एक्स 2 है, एक्स 2 और बाई 0 मतलब एक्स अक्ष पे ही आएगा, क्योंकि बाई 0 है, यहाँ से बाई कहीं जाना नहीं है, एक्स 2 है तो यहाँ पे आ गया, एक्स 2 के पास ये बिंदु मिला, ठीक है। यहाँ पे एक बिंदु मिला, बाई 3 है और एक्स 0 है, इस पर देखिए एक्स 0 है मतलब एक्स यहीं पर रहेगा और बाई 3 जाएंगे ऊपर, 3 मतलब बाई है तो ऊपर ही जाएंगे, यहाँ पर एक बिंदु, तो यहाँ पर एक बिंदु मिला। उसके बाद 3 0 तो हो गया ना, 3 यहाँ से गए क्योंकि 0 एक्स है, एक्स मतलब 0 कहीं नहीं जाना, सिर्फ पाई पे जाना है 3। यहाँ पर देखें तो 22 6 है और एक्स -2 है तो 22 6 है, तो 22 6 देखिए यहाँ पे आएगा और -2 है तो यहाँ पे, यानी इसके इसके सामने अगर हम आए सोझा में ऐसा तो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा है। तो ये तीनों जो है अक्ष को किस पर प्रतिच्छेद करता है वो भी इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन, तो इसको इसको मिला देंगे, तीनों एक ही सीध में आ जाएगा मिलाएंगे तो यहाँ पर देखिए, और ये अक्ष को किस किस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है इसको भी ध्यान से देखिए, किस किस बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बिंदु मिलता है, एक यहाँ पर प्रतिच्छेद करा, एक यहाँ पर प्रतिच्छेद करा अक्ष पे, तो इसका क्या निर्देशांक होगा, यानी प्रतिच्छेद बिंदु लिखना है, अगर प्रतिच्छेद बिंदु लिखना है तो देखिए पहला बिंदु जो है वो क्या है, ये है, तो इसका एक्स नहीं सिर्फ बाई 3 है और एक्स 0 है, एक्स 0 है, बाई 3 है, बाई एक्स पे 3 है ना, इसमें देखें तो एक्स एक्स तो है 2, बाई कुछ नहीं है मतलब एक्स एक्स पे है तो बाई 0, तो एक्स 2 है और बाई 0 है, ये प्रतिच्छेद बिंदु इसका, तो बस ये लिखना था। अब इसका जो 11 नंबर है, अब जो इसका 11 नंबर है इसका डायरेक्ट हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चूँकि 1 देख लिया तो 2 और 3 तो वैसे भी इजी है, सिर्फ अब ग्राफ बनाना तो सभी को आ ही गया होगा, आ भी जाएगा, सिर्फ यहाँ पे पूछ रहा है थोड़ा सा एक्स्ट्रा कि कौन सा अक्ष पे बिंदु प्रतिच्छेद करता है। तो चलिए हम लोग सीधा अब 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा ये अलग टाइप से इधर दिख रहा है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में एक्स माइनस 4 है और -y+4 इधर है, ये माइनस से अलग हुआ है तो ये गुना नहीं होगा, सिर्फ चिन्ह से गुना होगा, तो क्या होगा यहाँ पर देखें, तो मतलब गुना ऐसा होगा कि इसको घटाना है इसमें से,
तो इसको आप ब्रैकेट भी हटा सकते हैं ना, ऐसा एक्स माइनस फोर माइनस करना है इसमें से बाई को और प्लस फोर। तो इधर देखिए फोर से फोर कट जाएगा, प्लस से माइनस है बराबर इधर जीरो, तो बचा क्या एक्स माइनस बाई बराबर जीरो बचा। अब देखिए कितना ईजी है इसका ग्राफ बनाना, तो सबसे पहले एक्स माइनस में इधर है, इधर आएगा तो बाई बराबर जीरो। अब बाई कुछ भी माने, यहाँ पर देखिए जैसे बाई बराबर एक पर तो एक्स भी उतना ही हो जाएगा ना, एक्स बराबर एक ही आ जाएगा बाई की जगह पे रखेंगे तो। फिर बाई बराबर मतलब जितना रखें, जीरो रखें तो जीरो पर देखें तो एक्स बराबर भी जीरो आ जाएगा, क्योंकि एक एक्स बराबर बाई है। अगर बाई बराबर दो पर देखें तो एक्स बराबर भी दो ही आ जाएगा, क्योंकि बाई है एक्स बराबर बाई, बाई की जगह पर दो रखें दो ही। तीन हल इसका आया ना, यहाँ पे लिख देते हैं, वैसे तो तीन हल है इसका, एक दो तीन, एक्स है बाई है। तो एक्स कितना है मतलब जितना है उतना ही है दोनों, बाई एक तो एक्स एक, बाई जीरो तो ये भी जीरो, बाई दो तो एक्स भी दो, दो और दो यानी सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाना तो काफ़ी ईजी है। यहाँ पर देखिए इसको तो ऐसे ही तीन चार अंक तक हम लोग सिर्फ पार देते हैं, और यहाँ पे तो अगर यहाँ पे हम लोग एक ले ले और यहाँ पे दो ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर यहाँ पर तीन तक, ये एक हुआ, ये दो हुआ, ये तीन हुआ, ठीक है। उसके बाद इसके आगे आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, और यहाँ से एक सेंटीमीटर पे ले तो एक ये दो ये एक तीन, और तीन तक ही लेते हैं उससे ज़्यादा तो है नहीं, तो एक हुआ ये दो हुआ और तीन हुआ। अब देखिए एक्स भी एक बाई भी एक, सबका एक एक यहाँ पे एक मिला, ये तो हम सीध में मिलेगा, एक्स जीरो बाई जीरो यानी मूल बिंदु पे यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे एक्स जीरो बाई जीरो होता है इसका भी मतलब संख्या रेखा एक्स का भी जीरो और बाई का भी जीरो, यहीं पे जीरो से एक दो तीन इधर स्टार्ट हुआ, इसका जीरो से एक दो तीन इधर स्टार्ट हुआ, तो ये यहाँ पे एक बिंदु मिला है कि बिंदु यहाँ पे दो दो, तो यहाँ पे दो और इसका दो कहाँ पे आएगा, एकदम इसके सोच में आएगा मतलब यहाँ पे, तो ये सामना सामने मिला। अब इसको अगर हम लोग मिला दें तो मिलाएंगे तो ये अक्ष पे प्रतिच्छेद करता है कहाँ, मूल बिंदु पे ना, मूल बिंदु पे, सॉरी, तो इसको बढ़िया से मिला देना, ठीक है, ऐसा इसका मतलब मूल बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। इसका समीकरण क्या होगा, या तो टोटल लिख सकते हैं या फिर एक्स माइनस बाई बराबर जीरो लिख सकते हैं, टोटल जो था एक्स माइनस फोर ब्रैकेट जो भी था। अब इसका जो किस बिंदु पे प्रतिच्छेद किया है उसको लिखना है, ये सब यहाँ पे प्रतिच्छेद करता है मूल बिंदु पे, तो इसका लिखना प्रतिच्छेद बिंदु, तो प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु किस पे, अक्ष पे, अक्ष पे, तो अक्ष पे ये है प्रतिच्छेद बिंदु जीरो जीरो, एक्स भी जीरो बाई भी जीरो इसका होगा, ठीक है, तो इसका ये आंसर होगा। अब देखिए चौथा के बाद आगे यहाँ पे पाँचवा नंबर, तो इसे है ना फोर एक्स माइनस फाइव वाई बराबर बीस, तो इसमें एक्स वाई का वैसे ही मान रख के अच्छे से, और आपको ग्राफ बनाना है, जो भी जिस अक्ष पे प्रतिच्छेद करेगा उसका बिंदु का नाम लिखना है। पहले हम तो मतलब पाँचवा नंबर को उसको इग्नोर करते हैं, छोड़ देते हैं, और सिक्स नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन हालांकि ये भी हल्का ही है, यहाँ पे क्या करना है एक्स वाई का पहले तो हल निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, बाई इधर चला जाएगा तो ये प्लस में, इधर रहेगा तो माइनस में बाई, यानी यहाँ पे भी वैसा ही कंडीशन जैसे अभी पहले था, लेकिन दोनों प्लस में था, इसमें माइनस में। अगर बाई को अगर एक मानेंगे तो वो माइनस में एक हो जाएगा एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए अगर बाई बराबर हम लोग जीरो देखें, जीरो देखते ही नहीं एक्स ही स्टार्ट कर, तो एक्स बराबर माइनस बाई की जगह पर क्या रखेंगे वन, तो ये आ गया बाई बराबर दो तो एक्स बराबर माइनस दो, बाई बराबर तीन तो एक्स बराबर माइनस तीन। तो यहाँ पर देख रहे हैं माइनस प्लस सभी का मान आता है, तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन को लिख लेते हैं, समीकरण जो अभी मतलब जो हल प्राप्त हुआ इसको, तो ये एक्स बाई है, तीन हल, तीन हल है, तो बाई बराबर एक तो माइनस एक इसका आएगा, दो तो माइनस दो और तीन तो माइनस तीन, सॉरी तीन बाई है तो माइनस तीन, ठीक है। अब इसका ग्राफ भी इधर ही बनाते, बहुत छोटा सा ही बनेगा, माइनस में है ना सभी, तो माइनस में इसका प्लस में भी है और माइनस में भी है, तो क्या करेंगे तो सभी बनाना पड़ेगा इसके लिए, यहाँ से हम लोग बनाएंगे
और 0 से यहाँ तक 7 तक कर देते हैं, ठीक 7.5 तक, और इधर इधर भी 0 से इतना बना देते हैं। अंक लिखना मतलब बराबर दूरी पे ही होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए एकक सेंटीमीटर पर देंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। हालांकि इसको बढ़ा भी देते थोड़ा सा, ठीक 4 हो गया। इसमें भी वैसे ही चिन्हित कर देते, एक यहाँ, 2 एक यहाँ, 3 एक यहाँ, 4, तो यहाँ तो हो गया 4। ये एक्स और ए माइनस वाला में, तो माइनस वाला में एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ 4, इसका 3 से तो 3 सेंटीमीटर से एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ, इसको थोड़ा सा और मतलब बढ़ा देंगे इसको आगे की ओर। तो देखिए यहाँ पे एक्स हुआ, एक्स डैश हुआ, ये बाई होता है ऊपर, तो ये बाई डैश होगा, ये 1 है और इधर 2 है, ये 3 है और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 और यहाँ पर 4, यहाँ पे -1 यहाँ पे -2 यहाँ पे -3 यहाँ पे -4 यहाँ पे -1 -2 और ये -3 और -4 होता है। यहाँ पर देखिए बाई जो है 1 है, -1 एक्स है, तो -1 x इधर होता है और बाई 1 है, मतलब इधर ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। ये रहा एक का सामना, ये फिर 2 है तो -2 है, -2 है और बाई भी 2 है, मतलब एक माइनस में एक प्लस में, सब बाकी सब सेम ही है, तो यहाँ पे आएगा इसका पॉइंट है ना इसके सोजे में, और इसका 3 -3 एक्स है और बाई भी 3 है, तो इसका ऐसा ही आएंगे। तो देख रहे हैं कि ये सभी एक सीधी रेखा में ही बनेगा, इसको इस प्रकार से मिला देंगे। मिलाने के बाद ये जो है ना, ये वाला, ये भी तो मूल ही बिंदु पे मिल रहा है, तो इसको भी मूल बिंदु पे ही मिल रहा है, तो क्या मूल बिंदु पर भी ये अक्ष को काटता है और इसका निर्देशांक भी वही होगा, तो इसका प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पे काटा ना अक्ष को, ये दोनों अक्ष है, एक एक्स अक्ष है और एक बाई अक्ष है, तो प्रतिच्छेद बिंदु को लिख देना है, आपको तो पता है कैसे लिखना है, प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा मूल बिंदु का होता है, 0 और 0, तो ये लिखना था। तो ये हमारा जो है ना 11 नंबर क्वेश्चन वैसे ही करना है सिर्फ। अब 12 नंबर 13 नंबर तो काफ़ी इजी है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं, चूँकि वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है। तो वीडियो को पेंड करते मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।